लगने खेला कैसा गेम, देसी बाबू इंग्लिश में, रोज नया है एक प्लान, तीर कहीं तो कहीं कमान, टेंशन में है हर बंदा, कैसे चलेगा ये धंधा, भैंस के आगे बीन नहीं, इम्प्रोवाइज़ी नहीं, मतलब क्या है वट्टा सट्टा, जो नो कर वो जाकर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा, कुछ कुछ मीठा कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा। बच्चों, ओहो बच्चों जल्दी आ जाओ भाई जल्दी। अरे बाबा आ तो गया हूँ, क्या जल्दी है क्या, थोड़ा सांस तो लेने दो यार। ओहो ले लेना सांस, तुम बस गाड़ी में चलो, मैं तुम्हें ऑक्सीजन लगवा दूंगी, बस चलो तुम जल्दी। हैं बाबा हम एम्बुलेंस में जा रहे हैं क्या? ओहो चल लो ना इससे पहले कि कोई बुराई आ जाए। चलो बाबा चलो। अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का। क्या बुराई? अरे हाँ ना बाबा, जिस तरह बिल्ली रास्ता काटती है वैसे तुमने रास्ता काट दिया है। ओहो बच्चू ये सब तो कहने की बातें। आपको कैसे पता? अरे भाई याद रखना, जब भी कोई काली बिल्ली तुम्हारे रास्ते से गुजर रही हो ना, वो बेचारी कहीं जा रही होगी, इससे तुम्हारे दिन अच्छा बुरा गुजरने की कोई 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 लिंक नहीं है। अच्छा बाबा ऐसी बात है, तो फिर जानी को देख के तुमने ये क्यों कहा कि आ गई बुराई? सीमा मैम आपने ऐसा कहा मेरे लिए? ओहो इस बात को दबाओ, मेरा मतलब एक बात बताओ, तुम कहाँ से आ रहे हो भाई? ये आलू प्याज लेने गया हुआ था। अच्छा क्या मिला? फ्री किलो? फ्री किलो हैं? फ्री किलो बाबा क्या मतलब? वो अपने है ना बेग साहब, हाँ हाँ, वो सब्जी के ठेले पे खड़े थे, मैं भी बराबर में जाके खड़ा हो गया। अच्छा फिर? फिर क्या, उन्होंने मुझे देख के ठेले वाले से कहा दो बंदों को और पार्सल कर दो। अरे नहीं बाबा हमें नहीं चाहिए ऐसी सब्जी, ले जाओ। कहाँ? अरे बाबा किचन में ले जाओ ना। मैं समझा आप मना कर रहे। अरे बाबा मना तो कर रहा हूँ लेकिन वापस ले जाने से। अच्छा सब बातें छोड़े, ये बताएं आप दोनों जा कहाँ रहे हैं? हमारी मर्जी कहीं भी जाए तो वैसे क्या। चलो बच्चों हटो। चलो बाबा चलो हटो हटो। अरे वाह 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 भाई वाह, बाप बेटी में बातें चल रही है। जानी बाबा साईं ना तुम्हारी तारीफें कर रहे थे। अच्छा क्या? बेवकूफ गधा शैतान जाहिल। वाह तो अपने सारे रिश्तेदारों को याद कर रहे हैं आप। देखा कितनी जबान दराजी कर रहा है बाबा। जबान होगी तो दराजी तो करूंगा ना। अरे जानी बाबा साईं से बदतमीजी मत करो। माशा तुम के टीचर है क्या? अरे बाबा तुम अपनी औकात में रहो। औकात तो डॉक्टरों की होती है, 3 से 6, 9 से 12। बहुत जबान चलती है तुम्हारी, बहुत जबान चलती है। वो पेट्रोल पीता हूँ ना। वैसे भला 1 लीटर में कितना भागते हो? 1100 सीसी का इंजन समझा हुआ। और बकवास बंद करो यार बाबा। आप शुरू करो। बाबा तुमसे तो बात करना ही फजूल है। तो मैसेज कर दिया करे ना। अरे बाबा सही चले आप बताएं भला बात क्या थी, क्या बात कह रहे थे आप? बाबा बात ये है कि मेरा एक दोस्त है, उसकी बीवी आ रही है जो मेरी भाभी लगती है ना बाबा, उसकी बेटी की शादी है, उसकी बेटी की शादी का कार्ड देने आ रही है, 2-3 दिन यहाँ पर रुक जाए बाबा। हाँ उसका क्या रखना है? कितने प्यारे कपड़े मिल गए ना। हाँ जब हम मरी जाएंगे ना तो पहनूंगी। हाँ बाबा जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता है बाबा। खबरदार मेरे कपड़े में गुड़ मत डालना। अरे बाबा महावरा है महावरा बाबा, मीठा महावरा। ओ तो ऐसी बात मत क्या करो ना, मक्खियाँ आ जाएंगी। अदा आ गई ना मक्खी। तुमने मुझे मक्खी बोला? हाँ वो भी शहद की जो जहरीला डंग नहीं मारती वो। जिस दिन मैंने डंग मार दिया ना सारे घर में नाचती फिरोगी। हाँ बाबा ये ठीक है लेकिन गाना मैं जो ना अपनी मर्जी का गाऊंगा। बच्चू अच्छा भला ये बताओ ना कि मेरे लिए क्या लेकर आयो? वो सिग्नल पे नारियल लिया था 20 रुपए का, फ्रिज में रखा है, निकाल के खा। अरे बाबा मैं कपड़ों की बात कर रही हूँ, कपड़ों की। ये मैं नहीं दूंगी, ये तो मैं अपने लिए लेके आई हूँ। नहीं ना मेरी प्यारी भाजाई नहीं है, इसमें से 2 सूट मुझको दे दो। दो ही तो मैं सूट ले आई हूँ, वो भी तुम्हें दे दूँ? अरे बाबा अदा तुमको दूसरे दिला देगा ना, है ना अदा? अरे नहीं जरीना पैसे खत्म हो गए बाबा। देखो देखो मेरा अदा कितना बदल गया है, जोरू का गुलाम हो गया है तुम। अरे अदीब मर्द को शादी के बाद नौकरी मिलती गुलाम की है। बाबा मुझे नहीं पता, बस मुझे ये सूट चाहिए। देखो मैं तो तुम्हें ये सूट नहीं दे सकती, सॉरी। अच्छा अरे वो देखो चुड़िया 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 चुड़िया। अरे बाबा अरे मैं ना इसको नहीं छोड़ूंगी बच्चों। अरे आ रहा हूँ यार, कोई इंसान आया तूफान आया।
अरे दिमाग खराब है क्या? बगैर बोले दरवाजा खोल दिया, अभी मैं गिर जाती तो। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम जी, फरमाइए। अरे फरमाने फरमाने के लिए अभी बहुत टाइम पड़ा हुआ है, 500 रुपए निकाल। गली में क्या नई पाइपलाइन डाली है क्या? मुझे क्या पता। फिर किस चीज के 500 रुपए? अरे रिक्शे वाले को देने है चरिया। क्यों क्यों क्यों? अरे स्टेशन से यहाँ तक के 300 रुपए बनते तो ना बेईमाने, तो बातोबा 500 रुपए में आया है। मेरे वाले 500 क्यों दे रही है, अपने पास से दे दे। अरे कैश नहीं ना रख के लाई, एटीएम कार्ड। सुना है शहर में पैसे छीन लेते हैं। अरे नसरत भाभी आप कब आए? काफी देर से आई हुई, अब तो जाने की बातें हो रही। तेरा दिमाग तो खराब नहीं है? अभी तो मैं पूरे तरीके से अंदर भी नहीं आई हूँ, तो जाने वाली हूँ। आए ना भाभी। आती हूँ। पहले जरा 500 रुपए तो निकालना, वो रिक्शे वाले को देने है ना। कैश नहीं लाई, एटीएम कार्ड। जाने जाओ बाबा, जाके रिक्शे वाले को पैसे देकर आओ। लाए दे। बहुत खुशी हुई भाई आपको देख कर। आपको तो मुझे भी बहुत खुशी हुई आपको देख कर। बेटी की शादी का कार्ड देना था ना, तो आना तो जरूरी था। अभी मेरे मियाँ के इंतकाल के बाद सारा बोझ मेरे ही कंधों पर है ना। अरे बाबा तो फिर हल्का कर दे ना इस बोझ को। अच्छा कैसे? ये खाली सुजुकी घूम तो रही है आपके सामने। अरे बेटी की शादी का मसला है, बहुत बोझ है मेरे कंधों पे। अरे अरे बाबा सही, कौन आया है? बाबा ये तुम्हारी मम्मी है जी। आदाब अम्मी, आदाब। अरे ऐसे मुंह से निकल गया बेटा, तुम्हारी अम्मा जैसी लगती है ना, तो ये भाभी हैं, भाभी सकीना। अच्छा बाबा सही, मैंने पहचाना नहीं इनको। अरे बाबा ये भाभी आई है गाँव से, अपनी बेटी की शादी करवाना चाहती है। लेकिन बाबा साईं मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। अरे तुम पहली ही कौन संभाल सकते हो, नहीं संभाल सकते हो, दूसरी कैसे करोगे? मौला दादा ये कौन है? पहचाना नहीं इसे, ये अपना बच्चू है। ओ बलो, इतना बड़ा हो गया, अभी इतना छोटा सा देखा था। लेकिन आप अभी तक उतनी है। लेकिन बाबा सही मैंने इनको पहचाना नहीं है। अरे बाबा ये नुसरत भाभी है, आपको याद नहीं है कौन? अरे बाबा सही ये वही नुसरत भाभी ना, जिसकी वजह से आपको अम्मा जी ने 2 दफा मारा था। ऐसा कब हुआ था? नहीं मुझे तो याद नहीं है। हाँ बाबा सही, कैसे याद रहेगा, जब इंसान के सर पे चोट लगती है सब भूल जाता है। अरे बाबा चुप कर। अच्छा आपकी बेटी नहीं आई? अरे हाँ आई है ना, चचा के घर पे भी एड्रेस देकर आई हूँ, अभी आ जाएगी इधर। बाबा दिल खुश हो गया आपको देख कर बस। हाँ अच्छा मौला दत्त बात तो सुना, 200 रुपए है, अभी मैं कैश नहीं लेकर आई हूँ ना, एटीएम कार्ड है मेरे पास, वो मोबाइल के अंदर बैलेंस डलवाना है ना। हाँ कोई बात नहीं है, वो बच्चू जाओ जाके बैलेंस डलवा के लाओ। हाँ एक मिनट रुको, मेरा नंबर तो ले लो ना। हाँ लिखवा के रखती हूँ ना, पढ़ना लिखना तो आता नहीं है, अभी क्या करूँ। ये लो ये नंबर है। अरे बाबा सही ये तो वही नंबर है जिस पे पिछली दफा जब आपने बैलेंस डलवाया था ना, तो मैंने आपको मारा था। चल दफा हो जा, उठो चल निकल। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। एक्सक्यूज मी माली। कौन माली? अरे तो पौधों को पानी देने वाला माली तो होता है। पौधों को पानी देने वाला मालिक भी होता है, लगता है आपने क्लासिक फिल्में नहीं देखी। ओ आई सी, लगता है आप बुरा मान गए। आपने बात ही ऐसी की है, वो अलग बात है, आजकल मेरे माली हालात जो है वो ठीक नहीं है, पर इसका मतलब ये भी नहीं कि मैं माली हूँ। अच्छा सब बातें छोड़े, आप कौन है? मुझे मीना कहते हैं। मैं जानी हूँ। जानी? किसके जानी हो? अरे बाबा ये मेरा जानी है, आप कौन? मुझे मीना कहते हैं और मेरी अम्मी यहाँ आई है शादी का कार्ड देने। अच्छा आपकी शादी है, कब है? कार्ड पे लिखा होगा। लड़का क्या करता है? कार्ड पे लिखा होगा। अरे बाबा हाल में या तंबू में? कार्ड पे लिखा होगा। सब कुछ कार्ड पे लिखा हुआ है, शादी कार्ड है या डोमिसाइल है? मुझे नहीं पता, कार्ड पे लिखा होगा। अरे बाबा अगर सारी बातें कार्ड पे लिखी है, अगर तुम अपने मुंह से खुद बता दोगी तो क्या तुम्हारे मुंह के सेल खत्म हो जाएंगे? अच्छा चले छोड़े, मुझे ये बताएं कि अम्मी कहाँ है? कार्ड पे लिखा होगा। हाँ आई मैं आपको मिलवाता हूँ। अरे रुको तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, मैं लेके जा रही हूँ, ज्यादा फ्री नहीं हो, चलो बहन अंदर चलो, तुम्हारी अम्मी अंदर है। आप हैं कौन? मैं बाबा बच्चू। बच्चू ये कैसा नाम है? अरे बाबा आजकल यही हिट चल रहा है, आप कौन है? मैं मीना हूँ जिसकी शादी का कार्ड अम्मी यहाँ देने आई हैं। अरे वो हैं कहाँ पर?
अरे वो मेरे अबू के साथ, मेरा मतलब है मेरे बाबा साईं के साथ है, घर में ही है। ओ अच्छा, तो मौला दादा अंकल के बेटे हैं, पहचाना नहीं मुझे? नहीं बाबा, मैं नहीं पहचाना। अरे बचपन में हम खेला करते थे, पहल दूज, बर्फ पानी, खो खो, भूल गए? नहीं बाबा, मुझे याद नहीं है। शायद तुम्हारी याददाश्त खराब हो गई है, बादाम खाया करो, भूलने की आदत खत्म हो जाएगी। अरे बाबा वो तो मैं रोज लाता हूँ। तो फिर खाते क्यों नहीं हो? बाबा वो भूल जाता हूँ। अच्छा ये बताओ, तुमने शादी कर ली? नहीं बाबा, अभी शादी नहीं हुई है, पहले किसी से प्यार तो हो जाए। अरे तो ये कौन सी बड़ी बात है, प्यार भी हो जाएगा। बच्चों कब से बुला रहे हो तुम, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? कहाँ हो तुम? वो आपकी तारीफ। जी मैं खुद क्या करूँ अपनी तारीफ, बच्चों तुम करो ना। ये मेरे बाबा साईं की बहू है। ये इतना घुमा फिरा के क्यों बता रहे हो, सीधा सीधा बताओ तुम्हारी बीवी हो। पर तुमने तो कहा था कि तुमने शादी नहीं की। अरे बाबा मेरी शादी कहाँ हुई है, इनकी शादी हुई है मुझसे। वैसे आप कौन है? मैं मीना हूँ, नुसरत आंटी की बेटी। अच्छा अच्छा, आप वो इसकी शादी होने वाली है। हाँ ना बाबा, इनकी शादी में हम खूब हल्ला गुल्ला करेंगे। ज्यादा रिश्तेदार बनने की कोशिश मत करो, अंदर चलो, समझे? आप बैठे, मैं आपके लिए चाय भिजवाती हूँ, और तुम अंदर आओ। चलो बाबा मैं आया, बैठो। बच्चों बड़े मौला दादा क्या बात है, कोई परेशानी है? इतनी गहरी सोच। नहीं नहीं परेशानी नहीं है बाबा, मैं सोच रहा था नुसरत के मीना बेटी के शादी के साथ साथ एक और कार्ड भी शादी का छपवा दूं। किसका? ओ बाबा मैं अपना। अरे क्या चल गया, हो गया है क्या ये? अभी उम्र है तेरी शादी की। क्यों बाबा? अरे तुम्हारी उम्र के तो इंजन भी बंद हो गए। कुछ सोचो ना। अरे 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 सेठ साहब, आप यहाँ बैठे हुए मैं पूरा घर ढूंढ रहा हूँ, किस किस्म के इंसान हैं आप? अरे बाबा हम आला नस्ल के इंसान हैं। आला नस्ल के तो मुर्गे होते हैं, असील मुर्गे, जिनके बड़े बड़े खुर होते हैं। मतलब बाबा तुमको हम क्या मुर्गा लग रहा है? लगते तो इंसान है, लेकिन सच्ची बात बताओ, अल्लाह को जान देनी है, साइड से लगता है कुछ थोड़ा मुर्गे वाला पोस। अरे मेरे पास भी मुर्गे, मैं भी पाल रही हूँ उनको। तो सेठ साहब को भी पालने सवाब भी मिलेगा। बकवास बंद करो। ओहो मैं ये कहने आया था, वो मीना जी आई हुई है, उनको मैंने अंदर बिठा दिया। अरे मेरी बेटी आ गई, किधर है किधर है? अंदर अंदर अंदर। अरे हट तो सही ना, तो फिर अरे जगह तो दो। आराम से, अरे मीना आराम से। जानी तुम नुसरत के सामने मेरी बेइज्जती क्यों करते हो? कहाँ बाबा साईं, मैं तो उल्टा आपका टाका फिट करा रहा हूँ। यार जानी बाबा बात सुनो, ये मुझे यार बहुत अच्छी लगती है, मगर उनको आप बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तुम्हें कैसे पता? अरे बाबा कोई चक्कर चलाओ ना। अपना? अरे बाबा मेरा, मैं कह रहा हूँ। फिर उसके लिए कुछ रकम लगती है। कितने पैसे लगेंगे? 2 लाख बस। 2 लाख रुपए? अरे बाबा 2 लाख रुपए में तो मैं चाइना से दुल्हन लेके आ जाऊँ। चाणक्य चीज का तो आपको पता ही है, ज्यादा दिन चलेगी नहीं। ये बात तो है भाई। अच्छा बात सुनो यार, ऐसा करते हैं कि मैं अभी तेरे को ये 1,000 रुपया एडवांस दे रहा हूँ, बाकी 1,99,000 मैं काम होने के बाद आपको दूंगा। ठीक है फिर मैं काम स्टार्ट करता हूँ। अब ऐसा करो, नुसरत के दिल में मेरे लिए प्यार जगाओ, प्यार जगाओ, जगाओ प्यार। मैं अभी ढोल लेके ना उससे जगाऊंगा। आया, आया, मैं आया अभी। अच्छा? प्यार जगा के। वाह वाह। अब आप लोग अगर बुरा ना माने तो बिस्तर खाली कर देंगे, मुझे आराम करना है, थक गई। बात सुने लड़की, लड़कियां काम करते हुए अच्छी लगती हैं, आराम करते हुए नहीं। नहीं आंटी, मैं काम ना भी करूँ तो भी बहुत प्यारी लगती हूँ। बात सुने, मेहमानों से ऐसे बात नहीं करते। आप मेरी नहीं, बाबा साईं की मेहमान है। अरे बाबा सीमा क्या हो गया, कोई मसला है क्या? देखो ना ये दोनों मेरे बिस्तर पर बैठ गई आगे। अरे आंटी क्या करती हैं, बिस्तर बैठने की जगह थोड़ी है, आप आराम से पैर फैला के लेटे सो जाए, आराम करें। तो मैं क्या करूं, मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है, लेकिन नहीं मैं कहां जाऊं, दरख पे जाके सोऊं? हाँ बाबा दरख पे सो जाओ, वो भी पपीते वाले पे, बाबा एक ही करवट में कड़ूं। आप कितने अच्छे हैं ना, आपको हमारा कितना ख्याल है ना। शुक्रिया। ए बेबी क्या खोल के पिलाए मेरे मियां को? सत्तू हट दो, और क्या मसला आप दोनों के साथ? अरे बात सुनो, क्या बात है, इतना जोर से चीख चिल्ला के क्यों बात कर रही हो?
बदतमीजी करोगे ना अभी मोहलत आ जाएगा, मैं शिकायत कर दूंगी। क्यों भाई, वो 15 में काम करते हैं, जो आप उनसे मेरी शिकायत करेंगी? अरे सीमा, तुम चुप करो, बकवास चबराना। और आप दोनों एक बात बताएं, कार्ड देने आई थी ना, अब दे दिया, अब चले, आप तो फिक्स ही हो गई हैं। सीमा, हो सकता है ये खाना बदोश हो? अरे बात सुनो लड़की, हम खुद नहीं रुके हुए, हमें मौला दाद ने जिद करके रोका है। क्यों रोका है? अरे बाबा, ये तो बाबा सही बता सकते हैं। आओ चलो पूछते हैं सीमा, चलो चलो बाबा, चलो तो आओ तुम। हाँ चलो। खट्टा मीठा, खट्टा मीठा। आप कुछ परेशान लग रही हैं? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ये बताइए, शादी आपकी पसंद से हो रही है? लड़के से कर रही हूँ। मैंने कब कहा कि सोफे से कर रही हैं? अच्छा ये बताएं, आपकी शादी हो गई? नहीं, शादी तो नहीं हुई, लेकिन अब करना चाह रहा हूँ। क्यों? बहुत दिन मैंने इज्जत से गुजार ली, अब जरा सोच रहा हूँ जिल्लत की जिंदगी गुजार के देखूं। अच्छा कैसी लड़की चाहिए आपको? दो दांत की हो। दो दांत की? दो दांत की हो, घर की पली हुई हो, चाल चलन अच्छा हो, और बिला वजह लाते ना मारती हो। लड़की चाहिए या गाय चाहिए? ओहो, दूध वालों के साथ रहते रहते ना मैं खुद भी अजीब सा हो गया हूँ, अजीब सी लैंग्वेज हो गई मेरी। जाने जाने, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? एक तो हर वक्त तुम मेरे पीछे पड़ी रहती हो। जरीना, ये आपके कौन है? बाबा ये मेरे मंगे। मंग पत्ता रमी त्रुपचाल वो है। अरे बाबा खबरदार, जो तुमने जुआ खेलने की इधर उधर कोशिश की हो तो। जिंदगी तो खुद एक जुआ है। क्यों? लेकिन जाने देखो, तुम्हें इस जुए में ना मुझे जीतना है। हाय, आप दोनों में कितनी मोहब्बत है ना? नहीं नहीं, हम तीनों में, मैं कहाँ से बीच में आ गई? गांव से। बाबा तो मैं भी तो गांव से आई हूँ। आप तो बासी हो गई, ये जरा ताजी ताजी आई है। अच्छा आप दोनों बातें करें, मैं अम्मी के पास जा रही हूँ। शुक्रिया। क्या मुसीबत है, तुम मुझे जिंदगी में कुछ करने नहीं दोगी? जानी तुम मेरी प्रॉपर्टी हो। अरे खुदा को मानो, ये भी चुभने वाला होगा। अरे बच्चू, 1000 रुपए तो देना जरा। आंटी आप एक बात बताएं, ये आप कैसे निकलवाएंगी कब? अरे एटीएम दूर है ना, अभी तू करीब है तो इसलिए तुझसे कह देती हूँ। मैं एक काम करता हूँ आंटी, बैंक वालों को फोन करता हूँ, उनसे कहता हूँ एटीएम की मशीन घर पे लगवा ले। वाह 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 वाह, क्या बात, क्या बात है बाबा, कोई मुशारे से आ रहा है जो वाह 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 कर रहा है? नहीं बच्चू भाई, मैं तो आपके बाबा साहिब पे वाह कर रहा हूँ। अच्छा बाबा, ऐसा क्या हुआ है? वो नुसरत आंटी के बारे में पता क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे मेरे बारे में? कह रहे थे बहन हो तो नुसरत जैसी, काश मैं नुसरत का सगा भाई होता। अरे ऐसा उन्होंने कब कहा? हाँ अखबार में, मुत्तहिदा के इजलास में। क्या? मेरा मतलब है अभी अभी कह रहे थे मैं अपनी भांजी मीना की शादी में जरूर आऊंगा, ताकि नुसरत को भाई की कमी महसूस ना हो। अरे बाबा सही ने ऐसा कहा है? मुझे यकीन नहीं आ रहा है बाबा। लेकिन मुझे यकीन होता है, ऐसा ही है मौला दाद, बहुत प्यारा भाई मेरा, यकीन करो, मेरे तो आंसू आ गए। कहाँ है आंसू, नजर तो नहीं आ रहा? अरे खुशी के आंसू है, नजर नहीं आते, यकीन करो मेरा दिल भर आया। लेकिन बाबा पानी तो कहीं से नहीं गिर रहा है? अरे चरिया मिसाल है, मिसाल। अच्छा अच्छा, अरे बाबा क्या बातें हो रही हैं? है? अरे आप ही के बारे में बात कर रहे हैं। अरे बाबा जाने कुछ बात बनी? पक्की, बिल्कुल पक्की। अच्छा तो भाभी आपको मंजूर है ना? अरे प्लीज ना, अभी आप मेरे को भाभी शाभी नहीं बोलो। फिर बाबा क्या बोलूं? अरे वो ही जो जानी बता रहा है। हाँ जानी, अरे वाह जानी वाह, बाबा तुमने तो उसने कमाल कर दिया। अरे बाबा इस नए रिश्ते को बनाने में ना मैं भी शामिल हूँ। अरे बच्चू बाबा औलाद हो तो ना तेरी जैसी औलाद हो ना। हाँ तो भाभी अब मतलब आप मुझे क्या बोलेगी? अरे ऐसे कैसे, इतना ही बतनाक मंजर, सन्नाटा कोई भी नहीं है, सबके सामने बताऊंगी ना, कोई मिठाई शिठाई तो मंगवाओ ना, 1000 रुपए निकालो ना, मैं दरअसल। हाँ हाँ, आप कैसे नहीं आई होंगी ना? लनते, तेरे को कैसे पता? अरे इसको क्या आंटी, पूरे मोहल्ले को पता है कि आप कैश नहीं लाए। क्या बोलेंगे नुसरत, बताओ ना। अभी ऐसे थोड़ी बताऊंगी ना, सबके सामने बताऊंगी, ठहर जा सब्र कर, बताऊंगी जरूर बता। मीना किधर जा रही है? अम्मी नादिर आ रहा है ना? आया नहीं अभी तक। नहीं बस उसी का वेट कर रही हूँ। कोई बात नहीं, मैंने तस्वीरें देखी हुई है उसकी, वन एक क्लास है, एकदम फर्स्ट क्लास, शक्ल से ही दबू लगता है, तेरे पैरों में दब के रहेगा। अम्मी आती हूँ अभी। हाँ किधर जा रही है? आती हूँ थोड़ा सा तैयार होके। जा जा जा, तेरा आना तो तेरा जाना,
सब ऐसा ही है। कितने गमले रखे रे इधर? आ जाओ भाई आ जाओ। अरे आ जाओ जानी, किधर रह गए सब? आ जाओ ना यार, बाबा साई। मैंने पहली दफा आपको इतना खुश देखा, आपके चेहरे पे कितनी खुशी नजर आ रही है। अरे बाबा बात ही कुछ ऐसी है ना। और बाबा इस खुशी का जिम्मेदार जो है ना, अरे जानी, अरे जानी है बाबा, जानी हमारा नौकर नहीं है बाबा, ये तो अब हमारा जो है ना भतीजा है, भतीजा है। अंकल अब बताएं ही ना, आखिर बात है क्या? नुसरत तुम अपने मुंह से बताओ ना, मुझे शर्म आ रही है। इसमें शर्म आने वाली कौन सी बात है? खुश खबरी है, सुनाओ ना। हाँ बाबा सही, जल्दी से बता दे, बड़ा अरसा हो गया हमने खुशी की कोई खबर नहीं सुनी। अरे बाबा मुझसे ये खुशी जो है ना बर्दाश्त नहीं हो रही है, मैं अंदर जा रहा हूँ। इधर आओ, तुम कहीं नहीं जाओगे, यहीं खड़े रहो, समझे? अरे बाबा छोड़ो सब के सब, मैं बताती हूँ। बात ये है कि आज दो रिश्ते बने हैं, एक तो मेरी बेटी का नादर के साथ और दूसरा मेरा और मोला दाद का। अरे बाबा मुझे तो शर्म आ रही है। और ये बात मेरे को जानी ने बताई। वो क्या? वो ये कि मोला दाद ने मुझको अपनी बहन बना लिया है। अरे मुबारक हो, बताई मुबारक हो जानी। अरे बाबा ये क्या बोल रही है? हाँ तो सही तो बोल रही हूँ, आप ही ने तो बोला था जानी को। हाँ मेरा प्यारा भाई मोला दाद मेरा बहुत तो अच्छा भाई है, सलामत रहो। अरे बाबा जानी, अरे 1,000 रुपया देना ना, अभी मैंने इसको जानी को इनाम देना। जानी हाँ मैं तेरे को इनाम दूंगी, मेरे पास कैश नहीं है ना, मैं तो एटीएम में फंसी हुई हूँ। अरे बाबा भाड़ में जाए कैश, मैं इसे देता हूँ सही तरीके के। अरे जानी तुमने क्या बोला? लेकिन बाबा हमने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हो? बताया तो है मैं मेहर हूँ। अरे बाबा मैं हक मेहर हूँ जी। बहुत शिकायतें आ रही है तेरी। सही बात है, हमको बहुत शिकायत है, गैस की शिकायत है, कमर में दर्द है मेरे। मुझे भी मॉडलिंग करनी है। आप रैंप पे चलेंगी? अरे बाबा चलना क्या, मैं तो भाग भी सकती हूँ। एक बात है, आप मेरे सालन में से ना बोटी उठाने की कोशिश कर रहे हैं। अरे बाबा ये घर मेरे बेटे का, इसलिए बोटी पे हक पहले हमारा है। आप लोग अगर माइंड ना करें तो आप लोग यहाँ से जाएं, क्योंकि मुझे एक्सरसाइज करनी है। तुम जाओ भाई, मैं एक्सरसाइज कराएगा इसको। क्यों पापा जानी, आप क्या जुबैदा आप आए क्या? काफी देर से छोकरियों के पीछे लगे हुए, कभी इधर कभी उधर। पागल हो गए हो क्या? मेरे पापा ऐसे नहीं है। ऐसे नहीं है तो भला फिर कैसे हैं? वैसे ही जैसे तुम्हारे पापा है। इम्प्रोवाइज़ नहीं मतलब क्या है बट्टा सट्टा, जो नो कर वो जा कर भी, अंदर भी है बाहर भी, नमक है कम आटा ज्यादा, बिजनेस में घाटा ज्यादा, बैठ न जाए इनका फट्टा। कुछ कुछ मीठा, कुछ कुछ खट्टा, खट्टा मीठा।